सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर जफर मिर्जा को हटाने के ऑर्डर्स दे दिए, ये कहकर कि उनकी जो परफॉर्मेंस है कोरोना वायरस के क्राइसिस को लेकर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और वो कोई काम नहीं कर रहे। पहली बात तो ये है कि किसी भी क्राइसिस के दौरान एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो कि लीड कर रहे हों सब एफर्ट्स को, उनको ऐसे हटा देना डज नॉट मेक सेंस। और दूसरी बात ये है कि आप हुकूमत की जो हैंडलिंग है क्राइसिस की, उसके बारे में लोग उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, उस पर तनकीद भी कर सकते हैं। मैंने ख़ुद भी तनकीद की, मैंने खुद मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसी बातें हुई जो मिसहैंडलिंग भी हुई गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर ने दी जो उनको नहीं देनी चाहिए थी, काफ़ी जगहों पे उनका रिस्पांस जो गवर्नमेंट का था वो डिलेड था। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कहना बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा कुछ नहीं कर रहे। और सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस की तरफ से ऐसी बात करना कि आप उसको हटा दें, आप कुछ नहीं कर रहे, ये जो है ये एग्जीक्यूटिव के अफेयर्स के अंदर मेडलिंग करने के बराबर है और ये एक क्लियर केस है जुडिशियल ओवररीच का, जिसे हमें बिल्कुल भी कंडोन नहीं करना चाहिए। और ये हमें याद दिलाता है साकिब निसार के टाइम की, जब जैसे वो जुडिशल एक्टिविज़म किया करते थे, इस तरह की रिमार्क्स दिया करते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। और इससे पहले भी चीफ जस्टिस ने अभी दो दिन पहले सो मोटो, अपना पहला सो मोटो उन्होंने लिया गुजार अहमद ने इसी के ख़िलाफ़ कि गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं वो काफ़ी नहीं है और गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही, सिर्फ मीटिंग्स कर रही है। तो ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स देना, इस तरह के रिमार्क्स देना, ये गलत इसलिए है क्योंकि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, और वो इस तरह के रिमार्क्स, इस तरह के पॉपुलिस रिमार्क्स देना कि जो उनको पता हो कि आगे चल के अगले दिन वो हेडलाइन, अखबार की हेडलाइंस बन जाएंगी, ये गलत बात है। ये इस तरह से ये ऐसी बात है कि हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं इमरान खान की क्रिटिक हूँ और मैं गवर्नमेंट की क्रिटिक हूँ और मुझे उनके सपोर्टर्स कहते भी हैं कि आप बायस्ड हैं इमरान खान के खिलाफ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो, वैसे ये गलत बात है, बायस्ड नहीं है, हम सिर्फ पॉलिसीज़ के ऊपर और इश्यूज़ के ऊपर तनकीद करते हैं, आपकी ज़ात के ऊपर तनकीद नहीं करते। और लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस से आगे की बात होते हैं, और ये उनमें से एक है। जुडिशल एक्टिविज़म करना गलत है, ये डेमोक्रेसी को थ्रेटन करता है, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है, और जुडिशल एक्टिविज़म का निशाना जो भी बन रहा हो, चाहे वो इमरान खान ही बन रहे हो, उसके ख़िलाफ़ हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं चीफ जस्टिस को ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि और बहुत से इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर उनकी अटेंशन चाहिए, जैसे कि प्रिजनर्स जो हैं जेल के अंदर, इतनी सारी जेल्स के अंदर हैं, जो कोरोना वायरस की वजह से जो है, मतलब वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है, जो हालात हैं जेल्स के अंदर, हमें पता है कि पाकिस्तान में कैसे जेल्स में किस तरह से प्रिजनर्स को रखा जाता है। तो वहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन था कि वो लो रिस्क प्रिजनर्स जो हैं, जो इतने बड़े संगीन केसेस में इन्वॉल्व नहीं हैं, उनको रिलीज कर दिया जाए, लेकिन वो डिसीजन ओवरटर्न हो गया। और अभी ये एक बहुत सीरियस इशू है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी बार बार जुडिशरी की अटेंशन इस तरफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रिजनर्स हैं वो, उनको बहुत ख़तरा है, कुछ प्रिजनर्स हो भी गए इन्फेक्ट कोरोना वायरस से, लेकिन इस बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा और कोई ऐसा ऑर्डर इशू नहीं किया जा रहा। तो चीफ जस्टिस को इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के जो मैटर्स हैं उसको, उसके अंदर जुडिशरी का रोल नहीं होना चाहिए। जुडिशल एक्टिविज़म पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम उस फेज़ की तरफ वापस चले जाएं जब जुडिशल एक्टिविज़म होता था, स्पेशली इस क्राइसिस के दौरान तो बिल्कुल भी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हर इदारे को जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए ऑपरेट करना चाहिए।